नमस्कार, मैं हूँ सुभाष बिश्नोई, जो कि मैं ऑर्गेनिक खेती के बारे में आपको रोज़ बताता हूँ। तो आज हम एक बार फिर रणधीर सिंह जी हैं 2W गुरुसर से, जो ऑर्गेनिक खेती करते हैं और इनके पास जो भी बाग है, जो किन्नू का है, मौसमी का है, सभी ऑर्गेनिक है। तो आज एक बार फिर उनकी विजिट पे हूँ। तो आप देख सकते हैं, ये है बाग जो कि बिना पेस्टिसाइड के है। इसमें कोई भी जो पेस्टिसाइड है, स्प्रे वगैरह जो मार्केट से बनती है, वो कोई भी यूज नहीं होती। इसमें पेशाब से बनी जो एक जीव अमृता है, या एक दो और बनाते हैं ये, इनका नंबर होगा डिस्पेक्शन में, आप पूछ सकते हैं उनसे। और इनका जो किन्नू का और ये मौसमी का टेस्ट है, वो भी सबसे अलग होता है। बहुत ही अच्छे फार्मर हैं ये, जो ऑर्गेनिक पेन पे फसलें, दो तीन फसलें बीज रखी इन्होंने, चना है, गेहूँ है, और जो घर में जितनी भी सब्जियाँ खाते हैं ये ऑर्गेनिक ही बीजते हैं, उसमें कोई भी खाद या स्प्रे यूज नहीं होता। और इनकी जो फसल बीजते हैं वो भी आम फार्मरों से पहले उग जाती है, यानी कि कुछ से घंटों का फ़र्क रहता है, पहले ही वो पैदा हो जाती है। ये आप देख रहे हैं बाग, और इसमें आज गोबर की खाद डाली जा रही है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और इनकी बाग की शाइनिंग देखिए कितनी अच्छी है, इसमें कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होता, जो ये देख ही रहे हैं आप, जितना ये मौसमी का बाग है। और ये जो आज यहाँ मजदूर हैं, ये गोबर की खाद इसमें डाल रहे हैं। भाई साहब, आप गोबर की खाद डाल रहे हो? और ये फार्म जो रणधीर सिंह का ही है ना, और ये ऑर्गेनिक है सभी कुछ, तो ये मजदूर हैं या डाल रहे हैं? आप देख रहे हो जो ये इन्होंने गोबर डाल रहे हैं, गोबर में आपको दिखा रहा हूँ जो डल रहा है आज। तो आप देखिए, सभी भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें। तो और जब आप शेयर करोगे तो और भी बहुत से फार्मर हैं जो ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ेंगे, जो जहर खा रहे हैं और खिला रहे हैं। सब खिला तो सभी रहे हैं, चलो खा रहे हैं खाना अपने बच्चों के लिए, जो जहर डाल रहे हैं और जहर खा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, वो भाई भी आगे मजदूर आदमी है, वो डाल रहा है गोबर सभी बुंटों के अंदर। दो देखिए, ये सभी खेती जो करते हैं ऑर्गेनिक ही करते हैं, गोबर से और गौमूत्र से जो भी चीज़ें बनती हैं। तो अब अपने बच्चों के लिए जो जहर खिला रहे हैं, धीरे धीरे हम सभी को जागरूक होना होगा, जिससे कि हम जहर ना खिलाएं। अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं डायरेक्टली फसलों में देख के, फिर हमारे उससे डायबिटीज़, कैंसर, बहुत सी बीमारियाँ जो हो रही हैं, मोटापा आ रहा है। तो इससे परसेंटेज, हमारी एज जो परसेंटेज है, वो भी हिंदुस्तान की अब कम हो रही है। तो अब देख रहे हैं गोबर डल रहा है जो बाग के अंदर। तो सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि ऑर्गेनिक खेती की तरफ बढ़ें और ऑर्गेनिक खेती करें। इनकी बिना पेस्टिसाइड के भी इनकी शाइनिंग देखिए, धरती जो बहुत ही उपजाऊ हो ही है आगे से, भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे फार्मर हैं ये। और ये आ रहे हैं ये गोबर डाल रहे हैं, जो भी मजदूर भाई हैं, ये इस बाग है ये किन्नू का, इसमें डालें। अब तो इसकी तुड़ाई हो चुकी है, दोबारा से अगली बार के लिए तैयार किया जा रहा है। और ये कोई भी पेस्टिसाइड इसमें यूज नहीं करते हैं। और इन्होंने फूलों की खेती भी कर रखी है। पाओ पाओ थोड़ी बनाने, आ देखो जी, फूल भी लगा रखे उन्होंने अपने खेत में, बगीचा है पूरा, जो सुबह शाम यहीं रहते हैं। आप देख रहे हैं, ये अच्छे फार्मर हैं, अच्छे फार्मर की निशानी है, जो पूरा सुबह शाम इसमें घूमते हैं बगीचे के अंदर। तो इन्होंने ऑर्गेनिक है सभी, ये आपको दिखा रहे हैं, ये मजदूर भाई हैं जो कि इसमें गोबर की खाद डाली जा रही है, और ये गोबर से और गौमूत्र से ही सारी फसलें तैयार करते हैं। ये देखो गोबर डाला जा रहा है, जो कि पूरा सड़ गल के तैयार है, बिल्कुल खाद तैयार है। इसमें कोई यूरिया, कोई DAP, कुछ भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख ही रहे हैं, देखिए, और सभी को शेयर भी कीजिए। भैया, गोबर की खाद डाली जा रही है इसमें, ये देखो जी, गोबर डाला जा रहा है बुंटों के नीचे। इससे क्या है, अभी उपजाऊपन धरती का और भी बढ़ जाएगा, और बहुत ही अच्छे हरे भरे रहेंगे। इनको कोई ज़रूरत नहीं, पानी कम भी हो तो भी ये फसल हो जाएगी, ड्रिप सिस्टम से भी हो रहा है। ये देखिए, इसमें ड्रिप लगी हुई है सभी में, बगीचे में, ये देख रहे हैं आप। तो आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और ऑर्गेनिक की तरफ और देसी, सब देसी की तरफ जाएं, इस देश को लेके जाएं। एक किसान, एक फार्मर के हाथ बहुत कुछ है, उस देश को बचा सकता है, ऑर्गेनिक खेती करके पेस्टिसाइड का कम यूज करके, जिससे एक तो खेती भी ज़्यादा होगी, ज़मीन का उपजाऊपन भी और बढ़ जाएगा। तो आपका बहुत, सभी जो भाई देख रहे हैं हमारी वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।
ये है जी बाग है जो आपको दिखाया है, और आप जितने कमेंट करोगे हम उनका जवाब भी देखेंगे, जो भी जवाब दे, जो गौमूत्र भी आप लेके आए वो भी हम दिखाते हैं। ये देखिए अच्छे फार्मर के निशाने, पानी स्टॉक करने के लिए इन्होंने डैम बना रखे हैं, पानी स्टॉक ड्रिप सिस्टम से खेती। ये इनके गोबर की पुताई करके इन्होंने बैठने के लिए बना रखा है, सुबह शाम यहाँ बैठते हैं। ये लॉन पार्क लगा रखा है, और ये जो इन्होंने अपने जो भी फूल फल के जो भी पौधे हैं ये आप देख ही रहे हैं, और ये जो है अमरूद के बूंटे हैं। और अगली वीडियो में आपको दोबारा फिर दिखाते हैं, अभी इनको आ रहा हूँ स्प्रे जो इनकी बनी हुई है वो इस वीडियो में कवर करते हैं, और दूसरी वीडियो में भी करेंगे। अभी दिखाते हैं आपको हम, ये है जो स्प्रे बनी पड़ी है, ये गौमूत्र का ड्रम अभी हम लेके आए हैं। आज 1 मार्च 2019, ये हैं सरदार जी। ये देखो जी गौमूत्र से बनाई हुई स्प्रे इनके पास स्टॉक है, ये गौमूत्र है, इसमें गौमूत्र है, इसमें ये लाके स्टॉक करते हैं इसका, जितना पुराना उतना अच्छा होता है। और ये है पेस्टिसाइड जो ये बनाते हैं, जो पेस्टिसाइड की जगह ऑर्गेनिक यूज करते हैं। ये जीव अमृत, अच्छा ये जीव अमृत, इसमें क्या क्या डाला हुआ सर? इसके अंदर गोबर, गौमूत्र, हाँ जी, और बेसन, हाँ जी, और गुड़। अच्छा जी, इसमें गोबर है, कल छिड़केंगे, पेशाब है, गोबर है, बेसन है, और क्या बताएगा? गुड़, गुड़, गुड़ है इसमें। ये जीव अमृत है, ये सर क्या काम करता है? ये फर्टिलाइजर। अच्छा जी, इसमें 16 एलिमेंट्स होते हैं, अच्छा जो फसल को चाहिए वो पूरे पूरे इसी के अंदर होते हैं। बैक्टीरिया है, ये मल्टीप्लाई होता है फिर जमीन के अंदर डालने से, ऊपर स्प्रे करने से एनपीके का काम करता है, नीचे डाले तो पूरे इसमें एलिमेंट्स होते हैं वो फसल को पूरा मिलते हैं। अच्छा, पानी के साथ। अच्छा, ये छाछ है जी, 30 दिन पुरानी हमारी छाछ, लस्सी जिसको कहते हैं। हाँ जी, अंदर देखो, 30 दिन पुरानी है जी। अब ये पौधों को डालेंगे। अच्छा जी, जो बाग के अंदर जो फंगीसाइड जिसको कहते हैं अपन, नीचे पहले होता था अपना फंगस जिसको कहते हैं, फंगस, हाँ जी, ये आपका फाइटोपथोला वगैरह जो आता है इससे, हाँ जी, और ऊपर जैसे ब्लू कॉपर वगैरह करना होता है उस जगह पे ये काम करेगा जी सर। और ये हमारे पास 5 पत्ती काड़ा है जी, हाँ जी, ये तैयार है, ये देखो इसमें क्या क्या है सर? इसमें 5 चीजें हैं, नीम है, अच्छा जी, आक है, अच्छा जी, और दतूरा है, अच्छा जी, तमाकू है, अच्छा जी, और तुम्मा कौर तुम्मा जिसको कहते हैं, 5 चीजों मिला के गर्म करके फिर तैयार किया जाता है, जो कि सकिंग पेस्ट के लिए जो भी आती है फसल के अंदर, सकिंग पेस्ट बाग पे आती है, सिटर सिला वगैरह या चने के ऊपर रातेला आता है, जोंक पे आता है, कणक पे आता है, सबके लिए ये काम करता है। ठीक, धन्यवाद सर, हम इनकी एक वीडियो और करेंगे। और एक बार नंबर दोबारा से बता दीजिए सर अपना, 9649278300 सरदार रणधीर सिंह जी हैं, 2W से, और इनका डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, और दूसरी वीडियो में और हर वीडियो में इनका नंबर होगा, जो भी इनकी फार्म की वीडियो होगी आप इनसे कोई भी चीज़ परचेज कर सकते हैं, इनके पास अवेलेबल है जी सर। धन्यवाद।